हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना फोनोलॉजी। बेंगलुरु का केम्पीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का इनॉग्रेशन आज यानी 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 का बजट 5,000 करोड़ का है दोस्तों, और इसकी थीम भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी थीम है वॉक इन द गार्डन, यानी जब आप यहाँ चलेंगे तब आपको गार्डन सिटी का फील आएगा। जी हाँ, ऐसा लगेगा आप गार्डन में वॉक कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज द थीम ऑल अबाउट। ये टर्मिनल एनुअली 5 से 6 करोड़ पैसेंजर्स को अब हैंडल कर पाएगा, जिसकी कैपेसिटी पहले 2.5 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने की थी। इस टर्मिनल में जब भी कोई पैसेंजर चलेगा तो उसके आसपास ग्रीन वॉल्स, हैंगिंग गार्डन्स और आउटडोर गार्डन्स रहेंगे, जो कि बड़ी ही स्पेशल टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। ये इको फ्रेंडली टर्मिनस इस साल के दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंगलोर के स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का भी इनॉग्रेशन किया। ये स्टैचू श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की है, जिनका बैंगलोर को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय फ्रेंड्स।